Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Sidra from Jammu and Kashmir, the set ये algebra की एक problem है Abelian group से related. मैं prove करना है एक set G Abelian group है और G set है क्या वो पढ़ते हैं. The set G of all nth roots of unity, where n is a fixed positive integer. Form an Abelian group under the usual multiplication of complex numbers. तो यहाँ पर G एक set है जो कि बना है nth root से unity के. Unity के nth root से बना है और n यहाँ पर एक fixed number है और एक positive integer है. तो x माने कि nth root ऑफ यूनिटी हम लोग जानते हैं ये होता है वन अपान, यानी इस तरीके से लिख सकते हैं nth रूट. ये हटाएंगे तो वन की पावर इतनी हो जाएगी और ये माना कि इसकी वैल्यू x आती है क्योंकि इसी x से बना है g. x इसका g का एलिमेंट है. तो x की कितनी वैल्यू होंगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू जब आ गई वन की पावर वन अपान एन, दोनों साइड एन पावर कर देंगे तो ये वन आ जाएगा. और ये n पावर का देखें कि एक इक्वेशन बन गया. और हम लोग जानते हैं कोई इक्वेशन जितनी डिग्री का होता है उसके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं. तो इस इक्वेशन के n रूट्स होंगे. तो इस इक्वेशन के n रूट्स मतलब x की n वैल्यू होंगी. तो n वैल्यू वो कौन सी होंगी वो हमें फाइंड करना, और ये इसी n रूट्स जो होंगे उससे g बनेगा. और जी में प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर के ये एबिलियन ग्रुप होगा. तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो एन रूट होंगे वो फाइंड करेंगे. तो उसका सबसे आसान मेथड है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ किया जाए, यानी वन अपन एन और इसे माना वन की पावर वन अपान एन. इसकी वैल्यू को ऐसे लिखा जा सकता है, वन को लिखा जा सकता है वन प्लस आई इंटू ज़ीरो, क्यों ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा और वन प्लस ज़ीरो वन ही आएगा और यही आ जाएगा. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. और फिर देखें ये कॉस किस एंगल की वैल्यू होती है, उसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू को ढूंढ लेंगे. हम लोग जानते हैं कॉस ज़ीरो की वैल्यू वन होती है और साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी एंगल सेम होना चाहिए यहाँ पर वन अपान एन. फिर इसका जनरलाइजेशन कर देंगे. इसके लिए हम लोग जानते हैं इसमें टू पाई का कोई भी कोफिशिएंट हो, टू पाई आर ऐड कर देंगे तो वैल्यू सेम आती है. जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी ज़ीरो में लिख सकते हैं, टू पाई आर जोड़ सकते हैं. ये जनरलाइजेशन हो गया. अब इसमें थ्योरम लगा देंगे, डिमाइबर थ्योरम के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन हो तो इस पावर का इसमें एंगल में मल्टीप्लाई होता है, कॉस एन थीटा प्लस आई इंटू साइन एन थीटा. ध्यान रहे हमारे क्वेश्चन में एन की जगह पर वन अपान एन है तो ये अपान में आ जाएगा एन, यानी वन की पावर वन अपान एन, यानी एन रूट्स ये यहाँ से आ जाएंगे. ये एन यानी टू पाई आर हो गया ज़ीरो जोड़ने पर, और एंगल इस डिमाइबर थ्योरम का जब यूज़ किया तो अपान में एन आ गया, ये प्लस आई इंटू साइन टू पाई आर अपान एन हो गया. अब आर की वैल्यू जैसे कि हम लोग वैसे भी पहले से नॉलेज रखते हैं, आर की वैल्यू ज़ीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन एन माइनस वन तक रखेंगे तब हमें इसके हर एक वैल्यू रखने से एन के यानी वन के यूनिटी के nth रूट मिल जाएंगे. हर एक वैल्यू से एक रूट मिलेगा और ज़ीरो से लेके एन माइनस वन तक रखने पर इसके nth रूट मिल जाएंगे, n रूट मिल जाएंगे. और कोई ये कह सकता है कि आर तो एक इंटीजर होता है तो हम इससे बड़ी वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी n रख सकते हैं n माइनस वन, तो यस रख सकते हैं. लेकिन इस इक्वेशन से जो रूट मिलेंगे वो ओनली n ही होंगे. जैसे n अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पर r की जगह पर तो वही वैल्यू मिलेगी जो r बराबर ज़ीरो से मिलेगी. इस तरीके से n की वैल्यू बढ़ा r की वैल्यू बढ़ाते जाएँ फिर भी रिपीट हो जाएंगे रूट, वही रूट मिलेंगे. रूट हमें इस इक्वेशन के n ही मिलना है,
तो इसलिए जो ज़ीरो से लेके एन माइनस वन तक हैं इनको ही यूज़ करेंगे नंबर को, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू रहने रूट इनसे ही मिलना है ज़ीरो से लेके एन माइनस वन तक। तो इससे एक चीज़ बताओगे इतने रूट हैं। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसमें हम यूलर थ्योरम का यूज़ करते हुए थोड़ा आसान तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसे लिखा जा सकता है, ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। तो अभी चल रहा था ये एक यूनिटी के एंथ रूट, तो यूलर फार्मूले से ई की पावर में लिख देंगे आई, और जो भी इसमें एंगल है यानी थीटा था एंगल तो आई थीटा हो गया, तो आई और थीटा की जगह पर टू पाई आर अपान एन ये हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई टू द पावर आई टू पाई एन, और आर को हमने भेज दिया बाहर ऐसे, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और तो ये इतना ही आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आर की वैल्यू लिखी चुके हैं ऊपर, बता चुके हैं आर की वैल्यू ज़ीरो है, वन है, टू है, थ्री है एंड सो ऑन, और एन माइनस वन तक है, क्योंकि ये यूनिटी के एंथ रूट है तो एन वैल्यू मिलेंगी। हर एक आर की वैल्यू से एक रूट मिलेगा, और इन्हीं से बना है। शुरुआत में डेफिनेशन बताइए, एक सेट बना है जिसे कहते हैं जी नाम दिया गया है। तो जब हम आर की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे तो किसी नंबर की पावर ज़ीरो होती है उसकी वैल्यू वन हो जाती है। और एक चीज़ और बता दें, इसको हम जो शॉर्ट में ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी उसे अल्फ़ा कहते हैं अपने आसानी के लिए। तो अल्फ़ा की बार आर हो जाए तो आर बराबर जब ज़ीरो रखेंगे यानी अल्फ़ा की बार ज़ीरो की वैल्यू वन होती है, फिर आर बराबर वन रखेंगे तो अल्फ़ा की पावर वन, अल्फ़ा की पावर टू, अल्फ़ा की पावर थ्री एंड सो ऑन, अल्फ़ा की पावर एन माइनस वन, ये एन रूट मिल गए, एक सेट हमने तैयार कर लिया। अब इस सेट का से बनाएंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनती है ग्रुप एक सेट हो नॉन एम्प्टी, हमें मालूम है वन है कम से कम एलिमेंट तो नॉन एम्प्टी है ये, और साथ में ऑपरेशन इन दोनों को मिला देते हैं तो ये बनती है एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें प्रूव करना है कि ये एबिलियन ग्रुप है। वी हैव टू प्रूव दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज़ एबिलियन ग्रुप। तो हम लोग जानते हैं कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करना होता है तो पांच प्रॉपर्टी हमें दिखाना होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी होती है यानी एसोसिएटिविटी कह सकते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और नंबर चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इन चार प्रॉपर्टी से तो बनता है ग्रुप। अगर इसमें एक और प्रॉपर्टी जोड़ दी जाए कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ये बन जाएगा एबिलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी। तो ये हमें प्रॉपर्टी दिखाना है कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये सेटिस्फाई करती है, तभी हम कह सकेंगे ये एबिलियन ग्रुप है। तो अब सवाल की शुरुआत होती है, अभी तो क्वेश्चन बना है ये। पहली प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर एक्सियम भी कह सकते हैं जिसको, क्लोजर एक्सियम। तो क्लोजर एक्सियम मान लिया कि इसमें हमने दो एलिमेंट ले लिए इस सेट जी में, जिसको हमें बताना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई करती है ए बी। अगर हमें मालूम है ए बी जी को बिलोंग करेगा तो इसका जो भी एलिमेंट होता है जी का वो हम लोग जानते हैं उसकी पावर वो इस इक्वेशन, जो कि ये सारे के सारे जो जी के एलिमेंट हैं रूट्स हैं या जी के एलिमेंट हैं वो इस इक्वेशन के यानी एक्स की पावर एन माइनस वन बाय ज़ीरो के ही क्या हैं, रूट हैं। तो इस इक्वेशन रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे यानी इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक्स की पावर एन इक्वल टू वन को सेटिस्फाई करेंगे। जब ये सेटिस्फाई करेंगे तो ए बी चूँकि जी का एलिमेंट है तो ये इस इक्वेशन एक्स पावर एन इजिकल टू वन के रूट हैं, तभी ये जी को बिलोंग कर रहे हैं डेफिनेशन से जी की जो कि क्वेश्चन में दी थी। तो एक्स की जगह पर ए रखने पर यानी ये रूट हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइंग करेंगे, तो
एक्स यहाँ पर ए रख देंगे तो वी वन आएगा, वी की पावर एन करेंगे तो वी वन आएगा, यानी वी और ए की वैल्यू एक्स के यहाँ पर रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में, अगर दो एलिमेंट कोई जी को बिलोंग करें तो उनका जो यहाँ पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, उनका मल्टीप्लिकेशन जो है, उनका जो भी ऑपरेशन हो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ में ये वैल्यू भी जी को बिलोंग करे, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। ना सिर्फ कोई दो एलिमेंट बल्कि जितने भी जी में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं उन सब के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए कि ए बी में अगर हमने जी में ए बी अगर जी में लिए हैं, यानी हमारे जो ग्रुप या एबिलियन ग्रुप है या जो सेट है, तो उनका ऑपरेशन भी जी में होना चाहिए। तो हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें इसमें ए बी की पावर एन करके देखते हैं तो क्या होता है। ब्रैकेट खोलेंगे तो ए की पावर भी एन हो जाएगी, बी की पावर भी एन आ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ए बी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, यानी यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। और ए की पावर एन की वैल्यू वन आई थी और देख रहे हैं कि बी की पावर एन की वैल्यू वन आएगी, तो ए बी की पावर एन को इतना लिखा जा सकता है, यानी वन इंटू वन वन हो जाएगा, तो ए बी की पावर एन वन हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि ये रूट है ए बी इस इक्वेशन का एक्स बार एन जो शुरू में दे रखी थी, यानी यूनिटी का ये nth रूट है ए बी, और जो भी यूनिटी का nth रूट होगा वो बिलोंग करेगा जी को, यानी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स बार एन इक्वल टू वन को, तो वो जी को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, क्योंकि हम ए बी लेके चले थे जी में और फिर ए इंटू वी यानी इनका मल्टीप्लिकेशन जी में प्रूव कर दिया। ना सिर्फ ये कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट हमने लिए थे बल्कि जी कोई ए बी के कोई भी एलिमेंट थे उनके लिए पास प्रूव हो रही है। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी, ऐसे नहीं कोई खास एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, सारे एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो सारे एलिमेंट के लिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, चाहे इसे क्रॉस से डॉट करें या डॉट से, क्योंकि सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है पहले बता दिया गया था, तो ये इज एन इज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, या हम कह देंगे इस दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज क्लोज्ड अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी 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 के लिए हमें तीन एलिमेंट लेना होते हैं जी में और प्रॉपर्टी दिखाना होती है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी हमारा ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन है, तो चाहे हम पहले बी सी का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो जो वैल्यू है उसका ए से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू सेम आएगी, अगर हम ए और बी का पहले मल्टीप्लिकेशन कर दें फिर सी का करें, तो जितने भी यहाँ पर ए बी सी जी में होंगे सबके लिए इस बात सेटिस्फाई कर रहेगी, क्योंकि जो ए बी सी यहाँ पर हैं वो ना सिर्फ ये जी को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो सॉल्व किया था उससे ये जितने भी जी के एलिमेंट हैं के सारे जी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ए बी सी भी ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग जानते हैं ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी पाई जाती है, तो इसको बता देंगे जैसे ये इसका रीज़न क्या है कि ये सेटिस्फाई हो रही है प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी इसमें जी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है कि इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट वापस आ जाए। एग्जिस्टेंस यानी हम बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है क्या, तो यस हम लोग जानते हैं कि अभी देखा था कि वन बिलोंग कर रहा है जी को, वो कैसे कर रहा है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, सच दैट हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में वन होता है और वो
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में, चाहे हम प्री मल्टीप्लिकेशन करें या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जिस नंबर में मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है इससे उसी नंबर के बराबर आ जाता है। तो ऐसे केस में वन कहलाती है आइडेंटिटी, और ये आइडेंटिटी बिलोंग कर रही है जी को, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हैव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट मौजूद है इसमें आइडेंटिटी। इसी तरीके से इनवर्स एग्जिस्ट है, यानी तो यानी चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी तब देखी जाती है जब इनवर्स वाली सेटिस्फाई हो जाती है, सॉरी आइडेंटिटी जब सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी इनवर्स, इनवर्स तभी आते हैं जब आइडेंटिटी होती है। तो अगर कोई एलिमेंट अल्फा बिलोंग करता है जी को, यानी हम चौथी प्रॉपर्टी की बात करें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है यानी हम जी से कोई एक एलिमेंट ले लें, तब उसमें जी में एन माइनस अल्फा एक एलिमेंट जरूर होगा, इस तरीके से सच दैट सर्च कैसा होगा कि इसमें अल्फा में अल्फा की पावर यहाँ पर आर ले लें, अल्फा की पावर आर बिलोंग टू जी एक, क्योंकि हमें मालूम है जी जो सेट है वो ये सेट लिया था हम लोगों ने, तो एक जनरल केस में इसकी पावर आर ले लेते हैं, कोई भी पावर हो सकती है 0, 1, 2 से लेकर एन माइनस वन तक, तो हर एक के लिए एलिमेंट के लिए ये बात लागू हो जाएगी अगर हम अल्फा की पावर आर ले लेंगे। अगर जी में है तो हमें मालूम है उसका एक साथ ही अल्फा की पावर एन माइनस वन आर जी में होगा, इस तरीके से होगा कि अल्फ़ा की पावर आर इंटू अल्फ़ा की पावर एन माइनस आर, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इनका दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है कितना आएगा ए की पावर में, ये पावर में मालूम है कि ऐड हो जाती है, ऐड होने पर आर से आर कैंसिल हो जाएगी, ए की पावर एन हो जाएगा, और ए की पावर एन हमें मालूम है कि यहाँ वन हो जाएगी, यहाँ पर अल्फ़ा लिया था तो अल्फ़ा ही रहेगा अल्फ़ा की पावर एन, तो इस अगर देख रहे हैं कि ये वन आ गया तो, और ये वन क्या था, ये वन थी आइडेंटिटी थी। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट वन आता है तो दोनों नंबर एक दूसरे के, यानी प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे जो ऑपरेशन दे रखा है, दोनों का ऑपरेशन करने पर वन आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर अगर आ जाता है तो दोनों नंबर एक दूसरे के कहलाते हैं इनवर्स, यानी ए की पावर आर का इनवर्स हो गया ए की पावर एन माइनस आर बाई डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें ए की पावर एन माइनस आर इज़ इनवर्स ऑफ ए टू द पावर यहाँ पर अल्फ़ा ही लिया तो अल्फ़ा ही नहीं, अल्फ़ा की पावर एन माइनस आर इज़ इनवर्स ऑफ अल्फ़ा की पावर आर फॉर बिलोंग टू जी, जो यानी जी में जितने भी एलिमेंट है, क्योंकि जिस हर एक जी के हर एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है, आर की पावर ज़ीरो रखेंगे तो पहला एलिमेंट वन, फिर 1, 2, 3 ऐसे एन माइनस वन तक, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है इस जी में, और इस तरीके से ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर हम इसमें दो एलिमेंट की ज़रूरत होती है, जी में दो एलिमेंट ले लिए ए बी बिलोंग टू जी, और आपको मालूम है कि जी में जितने एलिमेंट थे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए बी भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं कम्यूटेटिव होता है, सिंस बता दें इनको कि ए बी जो है बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। दिस पर देखना है कि इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ने पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी एबिलियन ग्रुप की, जबकि हम देखें अगर इस पांचवी प्रॉपर्टी को छोड़ दें तो चार प्रॉपर्टी ग्रुप की होती, तो सिर्फ ग्रुप प्रूव करना होता तो चार प्रॉपर्टी दिखा देते, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने दिखा दी तो ये
चौथे में पांचवी प्रॉपर्टी ये वाली दिखा दी, तो ये एबेलियन ग्रुप हो जाएगी। तो ये अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज़ एन एबेलियन ग्रुप, हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर वॉचिंग अस।